हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो रिजल्ट्स थे वो निकाले थे, जो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। बट डियर स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज हो जाते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की अगर चेंज हो जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गेट्स अफेक्टेड और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए एक वेंट ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक आई फैक्टर दिया था। और अबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन द एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल और आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि टेक एन एग्जांपल, अगर हम मान ले NaCl, हमने क्या लिया था, NaCl का कोई हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूट लिया। अब इसका हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 1 है, बट ये डिसोसिएट होने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो गया, यानी कि 1 इसका और 1 इसका, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, हमने एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कितनी थी, 1 थी, लेकिन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सो दैट डिफरेंस बिटवीन दीज प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। की जो एक्सपेक्टेड या जिसको बोल सकते हैं थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है, जो उनके बीच में फर्क आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो अब इस अबनॉर्मल मोलिकुलर मास को करेक्ट करने के लिए क्या किया गया था, वेंट ऑफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक आई फैक्टर दिया था जो क्या करता है, इस अबनॉर्मल मास की जो डिसकंफर्टेबिलिटी है उसको दूर करता है। अब ये होता क्यों है, वाई अबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑब्जर्व, वाई अबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व। देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जो अब से पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी गई थी, दैट आर स्टडीड फॉर द आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ी गई थी। और आइडियल सॉल्यूशन हम किसे काउंट करते हैं, विच डज नॉट शो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल की जो ना तो एसोसिएशन से ऊपर ना डिसोसिएशन से ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। बट व्हाट द कंडीशन कि हमारे क्या होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर करेंगे उसमें भी समझेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि व्हेन डिसॉल्व डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, व्हेन डिसॉल्व डिसोसिएट पार्शियली इनटू आयंस। ठीक है, ये आप 10th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं हमारे डिसोसिएशन के केस हैं। अब एसोसिएशन का केस भी तो होता है, डाइमराइजेशन जिसको बोलते हैं, डाइमर का मतलब क्या होता है, व्हेन
टू आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन आयनी कंपाउंड। अब डाइमराइजेशन में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, यानी कि हमारा क्या है आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या होगा, ना तो कोई एसोसिएशन होगी ना कोई डिसोसिएशन होगी, यानी जितना भी हमने कोई भी पार्टिकल हमने लिया, कोई भी सॉल्यूट हमने लिया वो उतना ही रहेगा। अगर मान लो हमने NaCl लिया, ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल टर्म में समझें कि अगर हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर मान लो हमारा वाटर फिलअप है, ये हमारा वाटर है, तो अगर इसके अंदर कोई आइडियल सॉल्यूशन डालते हैं, आइडियल कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या रहेगा, आइडियल ही रहे, यानी कि आइडियल ही रहे, उसके अंदर ना कोई डिसोसिएशन हो ना कोई एसोसिएशन, ना तो आयन है वो आपस में जुड़े ना आयन आपस में से टूटे, यानी एज इट इज रहे। तो हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ओवर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो सारी की सारी सेम रहती है। बट व्हाट विल हैपन अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाती है, यानी जो हमारे सोल्यूट है वो आयंस में या तो टूट जाते हैं या डाइमर होकर के जुड़ जाते हैं, तो उस केस में हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो तो चेंज हो गए, अब जैसे हमने डाल रहे थे एक, वो इसमें डालने के बाद टूट गया दो बन गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चेंज हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, सो दैट्स व्हाई द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो गेट्स चेंज, तो इससे क्या होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और उसी के अंदर वो अबनॉर्मलिटी है वो ऑब्जर्व होगी, किसकी वजह से अबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व इन ए सॉल्यूशन ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनटू आयंस। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल का आयंस के अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से ही अबनॉर्मलिटी हमारी ऑब्जर्व होती है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं इस अबनॉर्मलिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, और दो प्रकार के केसेस हमारे होंगे, एक होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक होगा हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, चलिए एक सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि हमने मान लिया NaCl का एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, उसको इसके अंदर डालते हैं, ये हमारा एक मॉलिक्यूल था, जैसे ही हमने वाटर के अंदर इसको डालते हैं, ये वाटर है हमारा, वाटर के अंदर डाला, ये हमारा किसके अंदर टूट गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, ओके, इसके रिस्पेक्टिव आयन के अंदर ये डिसोसिएट हो गया। अब यहां पे देखें स्टूडेंट कि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं या फिर थियोरेटिकल वैल्यू, वो कितनी है, दैट इज वन, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में ये भी हमारा एक Na पॉजिटिव का एक आयन बन गया और क्लोरीन नेगेटिव का भी एक आयन बन गया, तो हमारे जो ये वैल्यू है यानी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, ऑब्जर्व वैल्यू दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू टू, ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, दो आ गई है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी, वन थी, और ऑब्जर्व कितनी आ रही है, टू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, तो इसी के लिए क्या दिया जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखो अब हमारी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू थी और ऑब्जर्व वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू अब किसकी थी, सोल्यूट की, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारी किसकी थी, सोल्यूट की। तो अगर सोल्यूट की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है किसमें चेंज होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट की अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो सीपी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को सीपी की टर्म में लिखा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में लिखा है। ओके, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर द केस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर की बिल्कुल सिंपल और आसान डेफिनेशन है। अगर इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व सीपी बाय थ्योरेटिकल सीपी, ठीक है, सिंपल हो गया। अगर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मोलर मास की बात करते हैं किसका, सोल्यूट का, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट का देखते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास अगर सोल्यूट का देखने की कोशिश करते हैं तो देखो स्टार्टिंग में NaCl क्या था, वन था, डिसोसिएट होकर के हमारा किसमें चेंज हो गया, टू में चेंज हो गया। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो मोलर मास होता है, यानी मोलर मास होता है वो क्या है, हमने सारे रिलेशन निकाले थे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ये बात याद रखनी है कि जो हमारा मोलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अब देखो NaCl का मान लो, यहां पे NaCl का एक मॉलिक्यूल था, ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल था, ये मान लो सारा का सारा एक NaCl का मॉलिक्यूल है, आगे चल करके किसमें टूट गया, ये Na और Cl में, यानी ये Na बचा ये Cl, यानी मोलर मास क्या हुआ, कम हुआ। अब एक बड़ा पार्टिकल हमने लिया, बड़ा NaCl का मॉलिक्यूल था, इतना बड़ा लिया और वो पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डिजोल्व करने के बाद वो टूट गया, दो टुकड़ों में टूट गया, तो उसका मोलर मास क्या हो गया, टूट गया, कम हो गया। तो मोलर मास क्या हो रहा है, डिसोसिएशन में कम हो रहा है, जबकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है बढ़ रही है। तो इसीलिए क्या है, हमारा मोलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, अगर वेंट ऑफ फैक्टर को हम टर्म्स में मोलर मास के रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या जाएगा, इसका जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो रेशियो में वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया इसका उल्टा हो जाएगा, यानी दैट इज ए थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर वेंट ऑफ फैक्टर। ये वेंट ऑफ फैक्टर के लिए बिल्कुल आसान टर्म्स में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में और मोलर मास के टर्म्स में वेंट ऑफ फैक्टर के डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के द्वारा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर मान लो हमारा कोई भी लिक्विड है वो फिलअप है, सॉल्वेंट हमने कोई भी फिलअप कर रखा है, ठीक है। अब हम यहां पे क्या लेते हैं, कोई भी हमारा क्या ले सकते हैं, सोल्यूट ले सकते हैं, दैट इज एन ए, ठीक है। तो एन ए हमने सोल्यूट लिया, जब इसको इसके अंदर डालते हैं तो दैट डिसोसिएट इनटू एन, ये हमारा किसके अंदर डिसोसिएट हो गया, ए एन बी के अंदर डिसोसिएट हो गया। यानी समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा किसी भी टर्म्स में सिंपल मैनर में समझने के लिए, कि टेक एन एग्जांपल, हमने लिया NaCl, ठीक है। NaCl ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब
एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अगर समय जीरो लेते हैं यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अगर मान लिया हमने ये लिया 100 एमएल ले लिया NaCl और ये उस टाइम पे हमारा कितना होगा, क्योंकि टाइम जीरो है, डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ये टूटना शुरू नहीं हुआ तो ये क्या होगा जीरो, ये भी कितना रहेगा जीरो रहेगा। ओके अगर हम लेते हैं टाइम इज इक्वल टू टी, कोई टाइम ले लेते हैं फाइनल टाइम ले लेते हैं, फाइनल टाइम को बोलेंगे टी, इनिशियल टाइम को बोलेंगे जीरो, तो इसमें से क्या होगा 100 माइनस 50 यानी इसके अंदर से 50 जो पार्टिकल है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर ये 50 पार्टिकल डिसोसिएट हो गई यानी कि मान लो ये कोई भी पार्टिकल है, ये 100 था, इसके अंदर से 50 पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे जो पार्टिकल बनेंगे वो 50 और 50 की फॉर्म में बनेंगे। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NaCl की, तो ये NaCl में से हमारा 100 था टोटल और इसमें से 50 डिसोसिएट हो गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो 50 Na और 50 Cl, ठीक है, ये दोनों आयंस बनेंगे। ओके तो यहाँ पे कितने बनेंगे 50 Na और 50 Cl हमारे फॉर्म हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो वैल्यू हमने ली है दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू ली है, दैट इज ए थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है, और हमारी जो टोटल यानी कि ये जो सारी की सारी ये वैल्यू जो निकल कर आ रही है दिस इज ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। अब ये तो ठीक है, ये क्यों है, अब ये भी समझना है कि NaCl अगर हम 100 डाल रहे हैं तो 100 में से क्या हुआ, इस NaCl में से 100 अगर इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, 100 में से क्या हुआ 50 तो निकल गए, 50 क्या हुए टूटना शुरू किया, यानी कि ये 50 थे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, 50 Na गए और 50 Cl में डिसोसिएट हो गए, यानी कि जो 50 है ये Na पॉजिटिव में गए और 50 इसमें, तो यानी कि टोटल सॉल्यूशन अगर इस बकेट में देखा जाए, इस बीकर में देखा जाए, तो टोटल तो क्या हुआ 100 माइनस 50 दैट इज 50, यानी कि ये 50 तो जो अनडिसोसिएटेड रह गए, यानी 50 पार्टिकल तो डिसोसिएट हुए ही, और 50 पार्टिकल क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं किस किस के अंदर, Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हुए हैं, तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारी टोटल होगी, जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिया था वो कितना था 100 हमने लिया था, यहां तक क्लियर है। ओके अब समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर समझने की कोशिश करते हैं अल्फा, तो हमने स्टार्टिंग में कितने लिए थे, स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे पार्टिकल, दैट इज 100 टोटल अमाउंट हमने 100 लिया था, उसके अंदर से डिसोसिएशन कितने का हुआ है 50 का, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, दैट इज 0.5, इज दैट क्लियर, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, यानी कि 100 हमने क्या लिए, 100 हमने क्या ले लिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल लिए हैं NaCl के 100 पार्टिकल लिए, अब उसके अंदर से क्या हो रहे हैं 50 डिसोसिएट होना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा 50/100 यानी कि टोटल क्वांटिटी, ठीक है, और ये क्या है डिसोसिएट क्वांटिटी, डिसोसिएट क्वांटिटी, ठीक है, ये सिंपल टर्म में हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड बाई टोटल अमाउंट, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, अगर अल्फा की वैल्यू हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, डिसोसिएट यानी टूट जाते हैं जितने, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आई की यानी वेंटो फैक्टर की, इसी केस में ये तो हमारा क्या हो गया अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा आसानी से समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं यहीं पर इसकी आई की वेंटो फैक्टर की, सो व्हाट विल वी गेट, अगर आई हम निकालने की कोशिश करते हैं तो आई की वैल्यू क्या होगी ऑब्जर्व्ड सीपी बाय थ्योरेटिकल सीपी, सीपी मतलब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखो ऑब्जर्व सीपी का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व किया यानी कि 100 ये हो जाएगा 100 माइनस 50 प्लस 50 प्लस 50 एंड हमने एक्सपेक्टेड क्या था या थ्योरेटिकल हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था 100 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा
यानी कि अगर इसमें से देखें तो ये क्या हो जाएगा 50 + 50 + 50 150/100 दैट इज इक्वल टू 1.5। यानी कि हमारा क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई है, आई की वैल्यू आ गई है 1.5। ये चीज, एक चीज और आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में याद रखनी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन टू 1 होगी। यानी कि यहां पर आप याद रख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा। अगर न्यूमेरिकल सेक्शन में एग्जामिनर क्या करता है, हमें सीधी आई की वैल्यू दे देता है 2.3, 1.2, 1.7 कोई भी वैल्यू हमें देता, तो इससे हमें पता चल जाएगा, और ये भी नहीं बताता कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो डिसोसिएशन ही होगा। बात समझ गए, ये है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है।